Hello friends, welcome to my childhood stories. I am Sanyogita Sharma. और इस बार मैं आपको फिर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मैंने अपने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी. वो ऐसी कहानी नहीं है जो किसी ने सुनी नहीं होगी. जरूर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको पहले कभी सुना हो, बट ये कहानी मेरे दिमाग में क्यों आई. द रीजन इज कि ऑनेस्टी, हमें हमेशा सच्चा रहना चाहिए. इस तरह के जो भी मॉरल रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, डोंट यू थिंक दे हैव ऑलवेज बीन लिमिटेड टू आवर मॉरल साइंस बुक्स. इसमें कोई एक्साइटमेंट या थ्रिल कभी क्यों नहीं हुआ, बट स्टिल स्टोरी जो है वो है तो ऑनेस्टी से ही रिलेटेड. तो क्या हुआ कि एक लकड़हारा होता था, वुड कटर. वो हमेशा लकड़ियां काटने जाता था और जहां वो काटने जाता था वहां एक नदी होती थी और वो लकड़ी काटता था, फिर नदी से पानी वानी पीता था आराम से और फिर अपनी लकड़ियां लेकर वापस चले जाता था घर पर. और जो भी उसकी दिनचर्या होती थी, मतलब उसका जो भी डेली रूटीन होता था, लाइफस्टाइल, वो अपना खुशहाल तरीके से जी रहा था. तो ऐसे ही एक दिन वो जब लकड़ी काटने गया तो काटते काटते वो ऊंची सी किसी टहनी पर जाकर बैठ गया और काटते काटते अचानक से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी, द एक्स, वो उस नदी में गिर गई. अब लकड़हारे का, दैट मींस वुड कटर का, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था. मतलब वो सिर्फ लकड़ियां काटकर ही अपना गुजारा चलाता था, मतलब उन्हीं को बेचकर वो कमाता था, उसी से उसके पास पैसे आते होंगे और घर गृहस्थी या उसकी जो भी जीवन का जरूरत थी वो उसी से पूरी होती थी. तो बस उसके लिए तो ये बहुत ट्रेजेडी हो गई. बहुत दुखी हो गया. दुखी वो इतना हुआ कि वो परेशान होने लगा और उसको कुछ समझ में नहीं आया कि बेचारा क्या करे. पेड़ से नीचे उतरा और बहुत अफसोस करने लगा कि भगवान क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूंगा, उसका घर ही जाने का मन नहीं किया. तो काफी देर तक रोने लगा. तो मेरी दादी ऐसा बताती थी कि अचानक से उस नदी के देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, क्या परेशानी है, तू क्यों रो रहे हो. तो लकड़हारे ने थोड़ा सा पका के देखा कि यहाँ तो कोई नहीं, आवाज कैसे आई. धीरे से उसकी आंखें उठी, उसने देखा एक अजीब से ऐसे भगवान की मूर्ति और कैलेंडर में एक दृश्य दिखता है ऐसा एक. उसने बोला, आप कौन हो. उसने बोला, मैं इस नदी का देवता हूँ और तुम दुखी हो तो इसलिए मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि भाई तुम दुखी क्यों. उसने बोला कि भाई ऐसा है, मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं पेड़ से रोज लकड़ियाँ काटता हूँ और यहीं आसपास के पेड़ों से काटता हूँ. आज इस पेड़ पर मैं काट रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ से मेरी जो कुल्हाड़ी है वो छूट गई और वो पानी में गिर गई. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं. और वो फूट फूट कर एकदम से रोने लगा. तो देवता ने कहा, रुको रुको रुको, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं इस नदी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं इसका देखता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी तुरंत तुम्हें निकाल के देता हूँ. तो लकड़हारा खुश हो गया कि सच में क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस ला देंगे. उसने कहा, हाँ हाँ, चिंता मत करो, रुको. उसने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो. देवता गायब हो गए. कुछ देर बाद फिर से देवता वापस आए. सुनो, उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, फुल ऑफ गोल्ड, चमचमाती नहीं, नई लग रहा है. होगा, लो भाई तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई, लो और जाओ, खुश हो जाओ. देखता रहा उस कुल्हाड़ी को. उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. मेरी कुल्हाड़ी तो वो बताने वाला था कि ऐसी है वैसी है, ये नहीं है. ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ. देवता फिर गायब हो गए. थोड़ी देर बाद फिर प्रकट हुए. फिर उन्होंने एक और कुल्हाड़ी निकाली, एकदम चांदी की, चमचमाती हुई, सिल्वरी, एकदम बहुत ही शाइनी. और उसने, ये लो, ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी, लो जाओ, दुखी मत हो. फिर वो देखने लगा लकड़हारा. देखता देखते रहा. देखा, नहीं नहीं, देखता ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी है, वो लोहे की, उसका जो हत्ता है वो लकड़ी का है, वो थोड़ा उखड़ा हुआ है और वो ही मेरी कुल्हाड़ी. तो उसने बोला, अरे ये कुल्हाड़ी ले जाओ और इसको तुम बेच देना, और देखो ये चांदी की कुल्हाड़ी है, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और अपनी पुरानी वाली कुल्हाड़ी ले लेना. तो उसने मना कर दिया. ठीक है, देवता फिर गए और फिर प्रकट हुए और फिर उन्होंने निकाली वही कुल्हाड़ी जो असलियत में लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी थी. वही पुराना सा जंग लगा हुआ, उसका आगे का हिस्सा था, लकड़ी थी. जैसे ही उसने निकाली, लकड़हारा एकदम खुश हो गया
उन्होंने देवता देवता आपने तो चमत्कार ही कर दिया, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उनको एकदम से पकड़ कर लपक कर उसको लेने के लिए खुश हो गया। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा जीवन वापस सुखी हो जाएगा। वो कुछ कुछ उनको बोलने लगा, भगवान को धन्यवाद देने लगा, और मतलब उसे बहुत ही चमत्कार लग रहा था कि मेरी कुल्हाड़ी मिल गई, इतना खुश था। उन्होंने कहा वो जाने लगा तो देवता ने कहा रुको, क्या हो गया। देवता ने वो सोने की कुल्हाड़ी निकाली और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां निकाली और उसको कहा मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ ये सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ियां तुम रख लो। तो नहीं नहीं मैं एक आम लकड़हारा हूँ, मेरा जीवन इससे आराम से चलता है और मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब कहानी का अंत जो ये है उसमें दो अंत हो सकते हैं। एक तो ये कि क्योंकि वो एक उपहार के तौर पे प्रसन्न होकर देवता उसे दे रहे थे, लकड़हारा जो है दोनों और कुल्हाड़ियां लेकर चला गया, या लकड़हारा वो वही छोड़ गया दोनों कुल्हाड़ियां और अपनी वही पुरानी सादी सी कुल्हाड़ी लेकर चला गया। तो मेरे हिसाब से तो ये जहां तक मुझे याद है कहानी का अंत ये हुआ करता था कि उसने लकड़हारे ने कहा देवता मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ, मेरी इस मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन खुशहाली से चल जाता है इस कुल्हाड़ी से जो मेरी अपनी कुल्हाड़ी है, और वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर चला गया। तो ये कहानी है ऑनेस्टी के बारे में कि इंसान कितना सच्चा हो सकता है कि उसके सामने लालच की बहुत सारी अगर सुविधाएं भी रख दी जाए तो उसका अगर दृढ़ निश्चय है कि उसे सच्चा ही रहना है तो वो उसको आराम से ठुकरा सकता है। अब कहानी ये मैंने इसलिए सुनाई कि मुझे लगता है कि ऑनेस्टी और ये सारे जो डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन इन सब की जब भी बातें होती है ना, इन प्रिंसिपल्स की या इन उसूलों की, सो ये हमेशा मॉरल साइंस की क्लास तक ये बहुत ही बोरिंग एलिमेंट बन के रह जाती है, इसमें कभी कोई थ्रिल नहीं होता। सो आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर द थ्रिल इन द स्टोरीज व्हिच आर सो कॉल्ड based on moral values, and I want you that if you think कि हम किसी भी कहानी को जो morals से related होती है जिसमें हम thrill या excitement दे सकते हैं वो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब भी आप कहानी सुनाते हैं ना उनको ऐसा लगता है ये तो बहुत ही boring कहानियाँ हैं, they don't find it exciting. So I don't know whether you found this story little exciting or boring. So do tell me in the comment section. And please like, share, subscribe the story and the channel if you think you should. Okay, thank you. Bye-bye.